सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियना के बारे में, जो साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है 160 प्लस गेम्स और 15 प्लस साइट्स का। 100 प्लस ब्रांच इनके इंडिया में है, जहाँ आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी है। और अभी कॉन्टैक्ट करने पर रेडियना फ्री में काफी सारा बोनस देंगे, तो अभी ज्वाइन कर लो रेडियना। दोस्तों आईपीएल 2022 में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे, जहाँ पर पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, वहीं दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। और इन दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए कितने मैच जीतने पड़ेंगे, और साथ ही साथ पर्पल कैप ऑरेंज कैप किस प्लेयर के पास मौजूद है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि आज खेले गए पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। और इन दोनों मैचों के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पॉइंट टेबल में 10वें पोजीशन पर है डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और चेन्नई की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 4 मैच खेले हैं और चारों मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार गई। तो इस वजह से 4 में से 4 मैच हार करके 0 अंकों के साथ चेन्नई पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है, और इस टीम का नेट रन रेट -1.211 है। और यहां पर से चेन्नई की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 10 में से कम 8 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से चेन्नई प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर है 5 बार की चैंपियन यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, और मुंबई की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 4 मैच खेले हैं और चारों मैचों में मुंबई इंडियंस की टीम हार गई। तो इस वजह से 4 में से 4 मैच हार करके 0 अंकों के साथ मुंबई पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट -1.181 है। और यहां पर से मुंबई इंडियंस की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 10 से कम 8 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से मुंबई प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं, कमेंट में जोर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और एसआरएच की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 3 मैच खेले हैं, जहां पर एक मैच में हैदराबाद की टीम जीत गई और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 3 में से एक मैच जीत करके 2 अंकों के साथ हैदराबाद पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट -0.889 है। और यहां पर से हैदराबाद को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 11 से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे। तो हैदराबाद प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं, कमेंट में जोड़ पाएंगे। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली यानी कि पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 4 मैच खेले हैं, जहां पर 2 मैचों में पंजाब की टीम जीत गई और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 4 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट +0.152 है। और यहां पर से पंजाब की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 10 से कम 6 मैच जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से पंजाब की टीम इस बार प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं, कमेंट में जोर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली और आज के मैच की विनर यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 4 मैच खेले हैं, जहां पर 2 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 4 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर है, और इस टीम का नेट रन रेट +0.476 है। और यहां पर से दिल्ली को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 10 से कम 6 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब
से दिल्ली प्ले ऑफ में जा पाए या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवे पोजीशन पर है केएल राहुल की कप्तानी वाली और आज के मैच की हारने वाली टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और लखनऊ की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 5 मैच खेले हैं, जहां पर 3 मैचों में लखनऊ की टीम जीत गई और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 5 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ लखनऊ पॉइंट टेबल में पांचवे पोजीशन पर है और यहां पर से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 9 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से अपने पहले ही सीजन में लखनऊ की टीम प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और आरसीबी की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 4 मैच खेले हैं, जहां पर 3 मैचों में आरसीबी की टीम जीत गई और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 4 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ आरसीबी पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.294 है। और यहां पर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 10 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे यानी कि 50% मैच आरसीबी को जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से आरसीबी प्लेऑफ में जाएगी या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचों में गुजरात टाइटंस की टीम जीत गई। तो इस वजह से 3 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ गुजरात पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.349 है। और यहां पर से गुजरात को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 11 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से अपने पहले ही सीजन में गुजरात प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर है आज के मैच की हारने वाली टीम यानी कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 5 मैच खेले हैं, जहां पर 3 मैचों में कोलकाता की टीम जीत गई और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 5 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ कोलकाता पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.446 है। और यहां पर से कोलकाता की टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 9 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से इस बार कोलकाता प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहां पर है आज के मैच की विनर और आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन यानी कि संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम। और राजस्थान की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 4 मैच खेले हैं, जहां पर 3 मैचों में राजस्थान की टीम जीत गई और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 4 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ राजस्थान पॉइंट टेबल टॉपर है और इस टीम का नेट रन रेट +1.300 के आसपास है। और यहां पर से राजस्थान की टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 10 में से कम 5 मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपके हिसाब से राजस्थान प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं कमेंट में जोड़ बताएं। और कमेंट में ये भी बताएं कि इस बार कौन कौन सी 4 टीमें आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। तो अब बात करते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में यानी कि अभी तक इस सीजन में सबसे अधिक रन, सबसे अधिक विकेट, सबसे अधिक चौका और सबसे अधिक छक्का कौन कौन से प्लेयर्स ने बनाया है। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास है, जो कि 4 मैचों में 205 से अधिक रन बना चुके हैं। सेकंड पोजीशन पर है शुभमन गिल, जो कि 3 मैच में 180 रन बना चुके हैं। थर्ड पोजीशन पर है ईशान किशन, जो कि 4 मैचों में 175 रन बना चुके हैं। वहीं पर्पल कैप उमेश यादव के पास है, जो कि 5 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं। सेकंड पोजीशन पर है कुलदीप यादव, जो कि 4 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं। वहीं थर्ड पोजीशन पर है वनिंदु हसरंगा, जो कि 4 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद बाउंड्री किंग सिक्सर किंग के बारे में बात करें तो इस सीजन में सबसे अधिक छक्का जॉस बटलर ने लगाया है, जहां पर बटलर ने 4 मैचों में 14 से अधिक छक्के मारे हैं। वहीं सबसे अधिक चौका क्विंटन डिकॉक ने लगाया है, जहां पर डिकॉक ने 4
मैचों में 20 से अधिक चौके मारे हैं। तो यही था आईपीएल 2022 मैच का नया पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।